आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जौहार। जूठन के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह साहित्य के भीतर भी एक सत्ता होती है जो अपना वर्चस्व कायम रखती है और नए नए रचनाकारों को ऊपर उभरने से रोकती है। इसमें दलित रचनाकार हों ऐसी बात नहीं है, वे सभी रचनाकार जो साहित्य में सच्चाई से रूबरू कराते हैं, मेरे ख्याल से उन सभी को रोकने की कोशिश की जाती है। और फिर हमने प्रसंग पढ़ा चंदा जी से इनके मतभेद का सरनेम को लेकर। अब आगे, मोहनदास नैमिष राय कवि, लेखक, पत्रकार आर्यनगर नई दिल्ली में रहते थे। उन दिनों जब भी मैं दिल्ली जाता था उनके घर पर ही ठहरता था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली अर्थात एम्स में चंदा का इलाज चल रहा था। चंद्रपुर महाराष्ट्र से आना पड़ता था। मोहनदास नैमिष राय जी की पत्नी शकुंतला जी ने सगे संबंधियों से भी ज्यादा मदद की थी। दफ्तर से छुट्टी लेकर हमारे साथ अस्पतालों और डॉक्टरों के चक्कर काटे थे। आयुर्विज्ञान संस्थान के बरामदों में घंटों भूखे प्यासे खड़े रहकर अपना नंबर आने का इंतजार किया था। मोहनदास नैमिष राय जी अपने किसी संपादक मित्र से मिलाने ले गए थे। उनकी पत्रिका में कुछ समय तक नैमिष राय जी ने संपादकीय विभाग में काम किया था। पत्रिका का दफ्तर और संपादक का निवास एक ही साथ था। मकान की सीढ़ियां चढ़ते हुए नैमिष राय जी ने कहा, आपका परिचय यदि सिर्फ ओम प्रकाश कहकर ही दिया जाए। मुझे अजीब सा झटका लगा था यह सुनकर। मैंने पूछा, क्यों? उन्हें मेरे विषय में ज्यादा पता नहीं है। आदमी तो अच्छे हैं, मेरी काफी इज्जत करते हैं, फिर भी, नैमिष राय जी ने सफाई दी थी। मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया था। एक बार तो मन में आया वापिस लौट चलूं, लेकिन भागना तो समस्या का समाधान नहीं था, उनके पीछे पीछे चल दिया था। जैन साहब सामने की कुर्सी पर बैठे थे। जब तक मोहनदास नैमिष राय विधिवत परिचय की औपचारिकता निभाते, मैंने स्वयं आगे बढ़कर जैन साहब को अपना परिचय दे दिया था। वे गर्मजोशी से मिले थे। उनकी बातों या व्यवहार से ऐसा कुछ भी नहीं लगा था कि उन पर मेरे सरनेम का कुप्रभाव पड़ा है। दलित आंदोलन से जुड़े रचनाकारों, बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं को अपने अंतर्द्वंद्वों से लगातार जूझना पड़ रहा है। कितना भय छिपा हुआ है मन में, उसके अंधेरे कोनों में, जो हमें सहज जीवन जीने ही नहीं देता। इस बाबत इनकी कहानी भय भी पढ़ी जा सकती है, जिसमें किस तरह पढ़ा लिखा दलित वर्ग अपने आप को हमेशा जाति के सरनेम से छुपा कर रखता है। काफी अच्छी कहानी है। मेरी भतीजी सीमा बीए कर रही थी। कथाकार डॉक्टर कुसुम चतुर्वेदी हिंदी विभागाध्यक्ष थी। एक दिन बातचीत के दौरान मैंने उनसे जिक्र किया कि मेरी भतीजी आपकी स्टूडेंट है। अगले रोज कक्षा में जाते ही डॉक्टर चतुर्वेदी ने सीमा से पूछ लिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को जानती हो। सीमा ने कक्षा में नजर डाली और इनकार कर दिया। उसी दिन शाम को सीमा ने पूरा किस्सा सुनाते हुए अपनी सफाई दे डाली थी। सभी के सामने अगर मान लेती कि आप मेरे चाचा हैं, तो सहपाठिनों को मालूम हो जाता कि मैं वाल्मीकि हूँ। आप फेस कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। गले में जाति का ढोल बांधकर घूमना कहाँ की बुद्धिमानी है। सीमा के तर्क समूची व्यवस्था की विद्रूप तस्वीर बनकर सामने खड़े थे। सीमा और चंदा दोनों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बना लिया था मेरे सरनेम के खिलाफ। ये हालत है पढ़े लिखों की। उनकी भतीजी, जहां पर के पुरुषों को ही बढ़ने आगे नहीं दिया जा रहा, वहां किसी लड़की का बीए के लेवल तक पढ़ना एक साहसिक कदम मैं कहूंगी। और वहां पर भी इनको अपने सरनेम से मतलब घृणा है, डर है, तो ये थोड़ी अजीब बात लगती है। यदि सरनेम से भागना, उससे पीछा छुड़ाना ही सब कुछ है, तो दलित आंदोलनों के मायने क्या रह गए? बड़े बड़े मंचों से खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देने का क्या औचित्य है? चंद्रपुर महाराष्ट्र से स्थानांतरित होकर जब देहरादून आया तो मकान की समस्या मुंह बाएं सामने खड़ी थी। महीना भर भटकने के बाद डॉक्टर सिंधवानी का मकान मिला था करनपुर में। दो छोटे छोटे कमरों में पूरी गृहस्थी को समेटना पड़ा था। ऐसा नहीं था कि देहरादून में मकानों की कमी थी या मैं किराया देने की स्थिति में नहीं था। बस मकान मालिक मेरे नाम का उत्तरार्ध अर्थात सरनेम सुनते ही आए बाएं करने लगते थे या फिर कोई बहाना गढ़कर इनकार कर देते थे।
डॉक्टर सिंधवानी के मकान से आगे माल रोड पर भोला राम खड़े रहते थे। उनकी पत्नी रामेश्वरी मेरी पूर्व परिचित थी, थे तो वे भी वाल्मीकि ही, लेकिन खरे सरनेम लगा रखा था। यह मकान उनके ही माध्यम से मिला था। उनकी बेटी मंजू बैंक में नौकरी करती थी। अक्सर शाम को छुट्टी के दिन मंजू चंदा के पास आ जाती थी। दोनों के बीच ननद भाभी का रिश्ता बन गया था। इस रिश्ते की चपेट में मुझे भी आना पड़ गया था। मंजू मेरी मूंग बोली बहन बन गई थी। इसी बीच मंजू का रिश्ता तय हो गया था। शादी विवाह का पूरा इंतजाम मेरे ही हाथ से हुआ था। बड़े भाई की जिम्मेदारी मैंने निभाने का पूरा प्रयास किया था। दफ्तर से छुट्टी लेकर घर बाहर के तमाम कार्य पूरे किए थे। चंदा ने घर के भीतर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। सभी कार्य सुचारू ढंग से पूरे हुए थे। जिस रोज मंजू की शादी का कार्ड छपकर आया था, एक हादसा हो गया था। दर्शनाभिलाषियों की सूची में, अर्थात जो छोटा सा RSVP लिखा होता है, कि सूची में घर परिवार के सभी लोगों के नाम छपे थे, सिर्फ मेरा नाम गायब था। मैंने इस बात को सहज ढंग से लेकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन मेरी पत्नी को यह बात परेशान कर रही थी। उसने मंजू से पूछ ही लिया था कि कार्ड पर इनका नाम कैसे छूट गया। मंजू ने बहानेबाजी करके बात को टालने की कोशिश की थी, लेकिन चंदा ने जिद्दी स्वभाव पाया है, वह अड़ गई। मंजू ने मंजू से सच्चाई उगलवाकर ही दम लिया था। भाभी, यहाँ कोई नहीं जानता कि हम वाल्मीकि हैं। सभी को यही पता है खरे हैं। भैया का नाम छपते ही भेद खुल सकता था। मंजू रुआंसी हो गई थी। चंदा को एक और अवसर मिल गया था मेरे सरनेम के खिलाफ मोर्चा बंदी करने का। ऐसा ही हादसा एक और रिश्तेदारी में हुआ था। चंदा की भतीजी की शादी का कार्ड पर भी सभी के नाम थे, मुझे उसमें भी छोड़ दिया गया था। इन सब का अर्थ यह कतई नहीं कि मैं उन सब नहीं कि उन सब के संबंध मुझसे खराब हैं। वे सब मेरे आत्मीय हैं। मेरे सरनेम से उनकी पहचान खुल जाने का डर बना रहता है। इस सरनेम के कारण जो दंश मुझे मिले हैं उसका बयान करना कठिन है। परायों की बात तो छोड़िए, अपनों ने जो पीड़ा दी वह अकथनीय है। परायों से लड़ना जितना आसान है, अपनों से लड़ना उतना ही दुष्कर। डॉक्टर सुखवीर सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय के शिवाजी कॉलेज में रीडर थे। हिंदी के विद्वान, समीक्षक, कवि, लेखक, वे भी मेरे सरनेम से दुखी थे। उनके निवास विश्वास नगर शाहदरा दिल्ली पर एक रात रुकने का अवसर मिला था। पराग प्रकाशन के श्री कृष्ण जी से काली रेत उपन्यास के प्रकाशन के संबंध में बात करनी थी। डॉक्टर सुखवीर सिंह जी के साथ ही मैं पराग प्रकाशन गया था। श्री कृष्ण जी उपन्यास छापने को तैयार हो गए थे। यह अलग बात है कि यह उपन्यास आज तक नहीं छपा है। उस रात डॉक्टर सुखवीर सिंह से एक लंबी चर्चा हुई थी वाल्मीकि सरनेम को लेकर। उस रात उन्होंने मेरे नाम से वाल्मीकि हटाकर खैरवाल चस्पा दिया था। खैरवाल जो इनकी पत्नी भी अपने नाम के साथ लगाया करती थी, इसे चंदा खैरवाल। उनकी सद्य प्रकाशित पुस्तक सूर्यांश पर मैंने समीक्षा लिखी थी, जिसे लेकर वे आज कल में स्वयं गए थे। संपादक मंडल के एक सदस्य ने ओम प्रकाश के साथ खैरवाल लगा देखकर जब आश्चर्य व्यक्त किया तो डॉक्टर सुखवीर सिंह ने कहा, नहीं, अब से हम इन्हें वाल्मीकि नहीं खैरवाल ही कहेंगे। वाल्मीकि को अपने हाथ से काटकर उन्होंने खैरवाल लिखा था। आजकल में यह समीक्षा ओम प्रकाश खैरवाल के नाम से ही छपी थी। इसे मैं एक दुखद स्थिति कहूंगी। साहित्य को माध्यम बनाकर साहित्य की सत्ता को वे चुनौती देते रहे ता उम्र। साहित्य में छुपी अदृश्य जातिवादिता को उजागर किया इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से, और आज वाल्मीकि होने के वजह से जो पहचान ओम प्रकाश जी ने बनाई वही उनसे छीनी जा रही थी। ये एक बहुत दुखद स्थिति है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ओम प्रकाश वाल्मीकि ना होकर ओम प्रकाश खैरवाल कहलाए जाएं। ये एक तरह का, मैं समझती हूँ, समस्या से पलायन है, और समस्या से पलायन उसका समाधान नहीं होता, उसका सामना करना पड़ता है। यदि डॉक्टर अम्बेडकर भी इस समस्या से पलायन कर लेते तो आज
आपके और हमारे जैसे करोड़ों लोगों के जीवन में उद्धार नहीं होता। हरिकिशन संतोषी जी के एक मित्र हैं सरदार ज्ञान सिंह, जो मेरठ के पास खेखड़ा गांव के रहने वाले हैं। वे मुझे मेरे दलित लेखन के द्वारा ही जानते हैं, मेरी कविताओं कहानियों से प्रभावित हैं, अक्सर लंबे लंबे पत्र लिखते हैं। जहां एक ओर मेरी रचनाओं पर उत्साहवर्धक टिप्पणियां होती हैं, वहीं वे मुझे यह भी समझाने या उपदेश देने की कोशिश करते हैं कि मैं पढ़ा लिखा मूर्ख हूं। वाल्मीकि सरनेम के कारण वे मुझे एक अशिक्षित व्यक्ति से भी गया गुजरा मानते हैं। उनकी मान्यता है कि मैं जानबूझकर ब्राह्मणवादी दलदल में फंसा हूं। मुझे वाल्मीकि सरनेम छोड़ देना चाहिए। अक्सर हरकिशन संतोषी जी और उनकी पत्नी का उदाहरण देकर समझाते हैं। सफाई संगठनों के कर्मचारियों के निमंत्रण पत्र बहुत आयात में आते हैं मेरे पास, जिनमें सभाओं, बैठकों, अधिवेशनों का जिक्र होता है। एक बार मैंने हरकिशन संतोषी जी से इस बात का जिक्र किया तो वे मुस्कुराकर बोले, वाल्मीकि सरनेम लिखोगे तो ऐसा ही होगा, सफाई कर्मचारी ही समझे जाओगे। मेरी रचनाओं पर जो पाठकों के पत्र आते हैं, उनमें कुछ पत्र वाल्मीकि युवाओं के भी होते हैं, जो अपने नाम के साथ वाल्मीकि सरनेम जुड़ना चाहते हैं। नवोदित कवि महेंद्र बैनीवाल ने भी वाल्मीकि सरनेम अपने नाम के साथ लगाने की इच्छा जाहिर की थी। एक लंबा पत्र व्यवहार चला था, कुछ दिन लिखा भी, लेकिन बाद में बैनीवाल लगा लिया। यदि आप इस ओर बढ़ना भी चाहें तो भी आसपास के लोग, आपके मित्र, आपके संगे साथी, आपके रिश्तेदार, आपके चाहने वाले आपको इतना मजबूर कर देते हैं कि आप अपना आपा खो बैठते हैं और वो डिसीजन ले लेते हैं जो बाकी सब चाहते हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम में मुझे बौद्ध साहित्य एवं दर्शन पर व्याख्या देने के लिए आमंत्रित किया गया था। मुझसे पहले 2-3 विद्वान बोल चुके थे। जैसे ही मैं बोलने के लिए माइक पर आया, एक श्रोता ने टोक दिया, वाल्मीकि बौद्ध दर्शन और साहित्य पर बोलेगा, शर्म नहीं आती? उनकी टिप्पणी पर पूरा वातावरण बिगड़ गया था। आयोजकों ने उसे रोकने की कोशिश की थी। मेरी बात और तर्क सुनने के लिए वह तैयार नहीं था। मैंने हिंदू समाज में फैली जाति भावना पर बोलना शुरू किया तो वह कुछ शांत हुआ। मुझे लगा कि समस्या गहरी है और उसके समाधान मात्र बाहरी आंतरिक विसंगतियों पर संवादहीनता है। यही संवादहीनता तब भी थी जब डॉक्टर अंबेडकर जाति का विनाश भाषण बोलना चाह रहे थे। तब भी लोगों ने इस पर बातचीत करना उचित नहीं समझा, उन्हें बोलने से मना किया। ये अलग बात है कि बाद में डॉक्टर अंबेडकर ने जाति का विनाश अर्थात एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को पुस्तक के रूप में छपवाया। उस घटना पर आयोजक दुखी और खिन्न हुए थे, लेकिन मेरे लिए यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे और अधिक शक्ति दी थी। डॉक्टर धर्मवीर से एक मुलाकात के दौरान इस सरनेम से उपजी वितृष्णा पर बात हुई थी। उनका कहना था, इसे हटाइए मत, यह आपकी पहचान बन गया है। चंडीगढ़ में 5 राज्यों दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तर प्रदेश के दलित साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ था। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन के अंतिम सत्र में मुझे अपना वक्तव्य देना था। मेरे बाद दिलीप सिंह एडवोकेट हिमाचल का वक्तव्य हुआ था। वे भूतपूर्व विधायक हैं, अच्छे वक्ता हैं। उन्होंने मेरे सरनेम पर एक उत्साहवर्धक टिप्पणी की थी, साथ ही मेरी कविताओं और कहानियों पर भी समीक्षात्मक चर्चा की थी। चर्चा में कुछ ऐसे मुद्दे उठ गए थे कि अंतिम सत्र उत्तेजक वातावरण में समाप्त हुआ था। वाल्मीकि सरनेम ने यहाँ भी अपना असर दिखाया था। सभी साहित्यकार किसान भवन में ही ठहरे थे। मैं अपने मित्र राम सिंह जी के निवास सेक्टर 47 में रुका था। उनकी पत्नी इंदु जी साहित्यिक अभिरुचि संपन्न है, पुस्तकों के अध्ययन मनन का उन्हें शौक है। सत्र में हुई चर्चा का जिक्र मैंने उनसे किया था। वैसे तो वे कभी खुलकर नहीं कह सकी, लेकिन उस रोज उन्होंने दबे स्वर में कहा था, वाल्मीकि सरनेम कुछ ठीक नहीं लगता। उस समय इस पर हम ज्यादा बहस नहीं कर सके थे, न वैसी कोई गुंजाइश थी। अगले रोज वे लोग मुझे बस अड्डे तक छोड़ने आए थे। सेक्टर 47 में जहाँ बसें रुकती हैं, बेंचों पर ड्राइवर और कंडक्टर बैठे रहते हैं। जिस समय हम वहां पहुंचे, वे जोर जोर से बहस कर रहे थे। ज्यादातर ड्राइवर सिख थे।
एक ड्राइवर ने बहस का समापन करते हुए कहा, कुछ भी कहो, चाहे जिन्ना वड्डा अफसर बन जावे, उसकी जान थोड़ी बदल सकती, चूड़ा है तो रहेगा चूड़ा ही। इस वार्तालाप को सुनकर इंदु जी ने मेरी ओर देखा, उनकी आंखों में जैसे प्रश्न था। अब कहो लेखक जी, इसके बाद भी आपके सरनेम का कोई औचित्यपूर्ण तर्क है? अर्थात सिख धर्म में भी यही सारी बातें? हिंदू धर्म तो छोड़िए, इन्होंने मुसलमान तगाओं के लिए भी यही बात करी कि वे भी हिंदू तगाओं जैसा ही व्यवहार इनसे करते थे, और यहाँ पर सिख धर्म के को मानने वाले भी यही बात कह रहे हैं। अर्थात धर्म कोई भी हो, आप अपनी जाति से पीछा नहीं छुड़ा सकते। कुछ देर की खामोशी के बाद इंदु जी ने कहा था, आपका यह सरनेम किसी दिन आपकी प्रतिष्ठा को जबरदस्त धक्का पहुंचाएगा। उसी क्षण पास खड़ी उनकी बेटी सोनिया बोल पड़ी, अंकल जी, मैं अपने नाम के साथ वाल्मीकि लिखूंगी। उनका बेटा साहिल इस चर्चा को समझ नहीं पा रहा था। इंदु जी भविष्य के प्रति आशंका से भर गई थी, कुछ बोल नहीं पाई, बस ड्राइवरों की ओर एक टक देख रही थी। दफ्तर में भी कई अधिकारी, सहकर्मी और अधीनस्थ कर्मचारी इस सरनेम के कारण मेरा मूल्यांकन कम करके आंकते हैं। शुरू शुरू में गुस्सा आता था, आक्रोश में उलझ भी पड़ता था, विरोध तो अब भी करता हूँ लेकिन अलग अलग ढंग से। अब कुछ सहजता से लेता हूँ क्योंकि ये एक सामाजिक रोग है जो मुझे झेलना पड़ रहा है। जाति ही जहाँ मान सम्मान और योग्यता का आधार हो, सामाजिक श्रेष्ठता के लिए महत्वपूर्ण कारक हो, वहाँ यह लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती। लगातार विरोध और संघर्ष की चेतना चाहिए जो मात्र बाह्य ही नहीं आंतरिक परिवर्तन गामी भी हो, जो सामाजिक बदलाव को दिशा दे। आंतरिक परिवर्तन गामी अर्थात सोचने के पैटर्न में बदलाव लाने की जरूरत है। सारा खेल जातीय श्रेष्ठता का है और जातीय हीनता बोधता का है। एक जाति वर्ग के लोग अपने आप को जातीय श्रेष्ठ अहम में उलझाए रखते हैं और एक इतनी हीन बोधता में उतर जाते हैं कि वे उसे छुपाए रखते हैं। तो सोचने के पैटर्न में बदलाव लाइए। यदि आप स्वयं को खुद ही छोटा समझेंगे तो दूसरे को क्या गरज पड़ी है आपको अपने से बड़ा समझने की? ये दिक्कत आप में है, किसी दूसरे में नहीं। आप हीनता बोध से ग्रसित हैं। अब तो यह सरनेम मेरे नाम का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जिसे छोड़कर ओम प्रकाश की कोई पहचान नहीं। पहचान और मान्यता दोनों शब्द अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर दलित परिवार में जन्मे थे, लेकिन अंबेडकर ब्राह्मण का घोतक था, जो एक ब्राह्मण अध्यापक का दिया हुआ उपनाम था, लेकिन भीमराव के साथ जुड़कर उनकी पहचान बन गया, जिसके अर्थ ही बदल गए। आज भीमराव का अंबेडकर के बिना कोई अर्थ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर को हम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से ही जानते हैं, जबकि ये भी एक सार्वजनिक सत्य के रूप में स्वीकारा जाता है कि ये नाम उनके ब्राह्मण अध्यापक ने उन्हें दिया था। लेकिन फिर भी क्या उससे उनका जाति उन्मूलन हो गया? उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, लेकिन क्या लोग उन्हें बुद्धिस्ट के नाम से जानते हैं? नहीं। आज भी जब भी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया जाता है तो यही कहा जाता है कि वे महार थे, उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। याद रखिए, दीक्षा ली थी ये कहा जाता है, वे बुद्धिस्ट हैं ये नहीं कहा जाता। तो इसीलिए बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उनका जाति उन्मूलन नहीं हो सका। आज भी लोग उन्हें महार ही कहते हैं, और अंबेडकर होने के बावजूद भी, अंबेडकर उपनाम लगने के बावजूद भी, ऐसा नहीं है कि उन्हें ब्राह्मणों वाला सम्मान मिल गया। बात सन 1980 के आसपास की है। मैं और मेरी पत्नी चंदा राजस्थान भ्रमण से वाया दिल्ली चंद्रपुर महाराष्ट्र लौट रहे थे। जयपुर से पिंक सिटी एक्सप्रेस में सीट मिली थी। पास की सीट पर भी एक संभ्रांत परिवार, पति पत्नी और दो छोटे बच्चे बैठे थे, तो जो जयपुर से नई दिल्ली जा रहे थे। बातचीत में पता चला कि पति किसी मंत्रालय में अधिकारी थे। सामान्य बातचीत चल रही थी, सहज और सुखद वातावरण था। राजस्थान की खूबसूरती पर चर्चा चल रही थी। मेरी पत्नी और अधिकारी की पत्नी घुल मिल कर बतिया रही थी, स्त्रियों में अपरिचय की दीवार जल्दी टूटती है। अचानक बातचीत
के बीच विषय बदल गया। अधिकारी की पत्नी ने मेरी पत्नी से पूछा, बहन जी आप लोग बंगाली हैं? मेरी पत्नी ने सहजता से उत्तर दिया, जी नहीं हम उत्तर प्रदेश के हैं। मेरे पति ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चंदपुर महाराष्ट्र में पोस्टेड हैं। कौन जात हो? अधिकारी की पत्नी का दूसरा सवाल दागा। प्रश्न सुनते ही मेरी पत्नी का चेहरा फक पड़ गया और मेरी ओर देखने लगी। सारा माहौल बिगड़ गया था, जैसे अचानक स्वादिष्ट व्यंजन में मक्खी गिर गई। जब तक मेरी पत्नी कुछ उत्तर देती, मैंने उत्तर दे दिया, भंगी। भंगी शब्द सुनते ही सन्नाटा छा गया। रास्ते भर दोनों परिवारों में कोई संवाद नहीं हुआ। एक ऐसी दीवार बीच में खड़ी हो गई थी जैसे हमने कोई चोर दरवाजे से घुसकर उनकी हंसी खुशी में खलल डाल दी हो। माहौल बोझिल हो गया था, बहुत तकलीफ देह हो गई थी यात्रा। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं हैं बचपन से लेकर आज तक, न जाने कितने दंश जिस्म पर ही नहीं मन पर भी चुभे हैं। पर इस घृणा द्वेष के पीछे कौन से ऐतिहासिक कारण हैं? जब जब भी वर्ण व्यवस्था को आदर्श मानने वालों और हिंदुत्व पर गर्व करने वालों से पूछा तो सीधे उत्तर देने के बजाय बात को अक्सर टाल जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहेंगे लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे कि आदमी को जन्म के आधार पर मानवीय मूल्यों से वंचित रखना किसी भी तरह न्याय संगत नहीं है। सवर्णों के मन में कई प्रकार के पूर्वाग्रह हैं जो आपसी संबंधों को सहज नहीं होने देते। और ये पूर्वाग्रह किस तरह के हैं? जैसे कि जिस लड़की को इनसे प्रेम हुआ था उसने भी यही कहा कि ऐसी अनकल्चर्ड होते हैं, गंदे रहते हैं। ये एक तरह का पूर्वाग्रह है, उन्हें पढ़ने लिखने की तमीज नहीं, पढ़ लिख जाएंगे तो जैसे अभी एक प्रसंग में आया कि बुद्धिज्म पर बात करेगा एक वाल्मीकि, शर्म नहीं आती। ये सब एक तरह के पूर्वाग्रह हैं। भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण घटक है। जाति पैदा होते ही व्यक्ति की नियति तय कर देती है। पैदा होना व्यक्ति के अधिकार में नहीं होता, यदि होता तो मैं भंगी के घर पैदा क्यों होता, जो स्वयं को इस देश की महान सांस्कृतिक धरोहर के तथा कथित अलंबरदार कहते हैं। क्या वे अपनी मर्जी से उन घरों में पैदा हुए हैं? हाँ, इसे जस्टिफाई करने के लिए अनेक धर्मशास्त्रों का सहारा वे जरूर लेते हैं। वे धर्मशास्त्र जो समता स्वतंत्रता की हिमायत नहीं करते बल्कि सामंती प्रवृत्तियों को स्थापित करते हैं। तरह तरह के मिथक रचे गए, वीरता के आदर्शों के कुल मिलाकर क्या परिणाम निकले? पराजित, निराशा, निर्धनता, अज्ञानता, संकीर्णता, कूपमंडूकता, धार्मिक जड़ता, पुरोहितवाद के चुंगल में फंसा, कर्मकांड में उलझा समाज जो टुकड़ों में बंटकर कभी यूनानियों से हारा, कभी शकों से, कभी हुणों से, कभी अफगानों से, कभी मुगलों से, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों से हारा, फिर भी अपनी वीरता और महानता के नाम पर कमजोर और असहायों को पीटते रहे, घर जलाते रहे, औरतों को अपमानित कर उनकी इज्जत से खेलते रहे, आत्मशलाघा अर्थात अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपनी बढ़ाई खुद ही में डूब कर सच्चाई से मुंह मोड़ लेना, इतिहास से सबक न लेना, आखिर किस राष्ट्र के निर्माण की कल्पना है? ये पैराग्राफ मैं पहले भी आप लोगों के लिए पढ़ चुकी हूँ, एक दलित की आत्मकथा में ये छपा था, पृष्ठ संख्या 16। वक्त बदला है लेकिन कहीं कुछ है जो सहज नहीं होने देता। कई विद्वानों से जानना चाहा कि सवर्णों के मन में दलितों शूद्रों के लिए इतनी घृणा क्यों है? पेड़ पौधों पशु पक्षियों को पूजने वाला हिंदू दलितों के प्रति इतना असहिष्णु क्यों है? आज जाति एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण घटक है। जब तक यह पता नहीं होता कि आप दलित हैं तो सब कुछ ठीक रहता है, जाति मालूम होते ही सब कुछ बदल जाता है। फुसफुसाहटें, दलित होने की पीड़ा चाकू की तरह नस नस में उतर जाती है। गरीबी, अशिक्षा, छिन्न भिन्न दारुण जिंदगी, दरवाजे के बाहर खड़े रहने की पीड़ा, भला अभिजात्य गुणों से संपन्न सवर्ण हिंदू कैसे जान पाएंगे? जाति ही मेरी पहचान क्यों? कई मित्र मेरी रचनाओं में मेरे लाउडनेस एरोगेंट हो जाने की ओर इशारा करते हैं। उनका इशारा होता है कि मैं संकीर्ण दायरे में कैद हूँ। साहित्यिक अभिव्यक्ति को व्यापक अर्थों में ग्रहण करना चाहिए, संकीर्णता से बाहर आना चाहिए, यानी मेरा दलित होना और किसी विषय पर अपने परिवेश
अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुसार दृष्टिकोण बनाना एरोगेंट हो जाना है, क्योंकि मैं उनकी नजर में सिर्फ एससी हूं, दरवाजे के बाहर खड़ा रहने वाला। तो मैं समझती हूँ ये एरोगेंस बहुत जरूरी है। एरोगेंस तो उन लोगों में हमसे कहीं ज्यादा है जो अपने आप को जातीय श्रेष्ठता के अहम में डुबो के रखते हैं। क्या वो चीजें एरोगेंट नहीं होती? दूसरे को चूड़े चमार के जाति बोधक गालियां देना, क्या ये एरोगेंस नहीं है? उनमें तो हमसे ज्यादा एरोगेंस है। जो एरोगेंस की बात करते हैं वो कहीं ज्यादा एरोगेंट है। इस विषय पर दोबारा से सोचिए। बहुत से लोग पलायन को समस्या का समाधान समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बौद्ध धर्म अपना लेने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? आप यहाँ से पलायन करके बौद्ध धर्म में चले जाते हैं। आजकल तो ये भी चर्चा में आम हो रही है कि तथागत बुद्ध जो हैं वो विष्णु के 10वें अवतार हैं, और इस विषय पर लेकर ना तो किसी बुद्धिस्ट का और ना ही किसी और बुद्धिजीवी का मैंने कभी तर्क सुना है या कोई विरोध सुना है। किसी मंच से कोई विरोध नहीं सुना इस बारे में। आप क्या कर लेंगे यदि कल को हिंदू धर्म, जैसे आदिवासियों के सरना धर्म को हिंदू धर्म में विलय कर लिया गया, कल को बौद्ध धर्म का विलय हिंदू धर्म में हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप तो कहीं के नहीं रहेंगे, ढाक के तीन पा जैसी स्थिति हो जाएगी आपकी। यहाँ भी नहीं बोल पाते थे, बौद्ध धर्म का हिंदू धर्म में विलय होने के बाद भी आप नहीं बोल पाएंगे। घूम फिर के दोबारा आप उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी से आप भागे थे। इसीलिए भागना समस्या का समाधान नहीं, तर्कशील संवाद से जरूर ये समस्या हल हो सकती है। इन सब बातों पर सोचिएगा जरूर। जूठन आत्मकथा का पहला खंड आज समाप्त हुआ। अगले खंड को हम एक छोटे से सिनॉप्सिस के तौर पे लेंगे, इसका एक छोटा सा कॉन्क्लूजन एपिसोड बनाएंगे, मध्यांतर एपिसोड जिसे आप कह सकते हैं। तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में यदि कोई आप समाधान प्रस्तुत करना चाहते हैं तो लिखकर हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि मध्यांतर एपिसोड में हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।